सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। इस कहानी की लेखिका है पूजा चिल्लर। मार्था मेरी सबसे अच्छी दोस्त, उसे पैरानॉर्मल वर्ल्ड और आत्माओं के बारे में रिसर्च करने का बहुत शौक था। कई बार वो मुझे भी भूत प्रेत और आत्माओं की दुनिया से जुड़ी बेहद रहस्यमयी बातें बताया करती थी। वो कहती थी कि हमारी दुनिया से आत्माओं की दुनिया में संपर्क के लिए दोनों दुनियाओं के बीच एक अदृश्य द्वार होता है, जिसके जरिए हम आत्माओं से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी की हुई किसी गलती के कारण कोई आत्मा उस द्वार को पार करके हमारी दुनिया में प्रवेश कर जाए, तो उस इंसान की जिंदगी को फिर कोई नहीं बचा सकता। कभी कभी तो मुझे उसकी अजीबोगरीब बातों को सुनकर बहुत डर लगता था, लेकिन कभी कभी मुझे उसकी कही हुई ये सभी बातें मनगढ़ंत लगती थी, क्योंकि शायद मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ महसूस ही नहीं किया था। मुझे याद है, मैं पूरे 2 साल बाद अपनी मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट करके अपने घर आई थी। उस दिन वो मुझसे मिलने मेरे घर आई थी। घर पर हम दोनों के सिवा उस दिन और कोई नहीं था। कुछ दिनों बाद मार्था की शादी होने वाली थी। पिछले 2 सालों में हमारी लाइफ में घटी हर एक बात हम एक दूसरे से शेयर कर रहे थे। घर पर काम करने वाली जूलिया की अचानक तबीयत खराब होने के कारण वो भी अपने घर चली गई थी। मैंने घड़ी में समय देखा तो पता ही नहीं चला कि बातें करते करते रात के 10 बज गए। तभी मैं हम दोनों के लिए नूडल्स बनाने किचन की ओर जाने लगी तो मार्था ने मुझे टोकते हुए कहा, रहने दो क्रिस्टीना, वैसे भी इतने सारे स्नैक्स खाकर मैं तो ऑलरेडी बहुत फुल हो चुकी हूँ। मुझे अब घर जाना होगा, माँ और स्टीव घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। कम ऑन यार मार्था, इतने टाइम बाद तो हम मिले हैं, बस एक दिन की तो बात है। स्टीव है ना, वो आंटी का ध्यान रख लेगा। तू बैठ, मैं बस अभी हमारे लिए नूडल्स बनाकर लाती हूँ। मेरी बात मानकर वो उस रात मेरे घर पर रुकने के लिए तैयार हो गई। कुछ देर बाद मैं हम दोनों के लिए नूडल्स बनाकर ले आई। तभी नूडल्स खाते हुए मार्था फिर से मुझसे आत्माओं की दुनिया से जुड़ी वही बातें करने लगी, लेकिन उस रात मैंने उसकी उन बातों को उसके मन का वहम कहकर टाल दिया। तभी अचानक वो मुझ पर बहुत गुस्सा हो गई और उसने मुझसे कहा कि आज रात वो मेरे सामने अपनी बातों को सच साबित करके दिखाएगी। उसने मुझसे काले रंग का एक कोरा कागज मांगा। मैंने उसे कागज दे दिया। तभी उसने अपने बैग से एक सफेद चौक निकाली और कागज को फर्श पर रखकर वो उस कागज पर कुछ अजीब सी आकृतियां बनाने लगी। उसने मुझसे कहा कि तुम मेरा हाथ कसकर पकड़ लो और चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरा हाथ मत छोड़ना। मैंने उसकी बात मानी और कसकर उसके हाथ को पकड़ लिया। तभी उसने अपने बैग से एक बड़ी अजीब सी किताब निकाली और उसके पन्नों को पलटती हुई वो उसके अंदर लिखे मंत्रों को पढ़ने लगी। कुछ देर बाद मुझे वहाँ कुछ अजीब सा एहसास होने लगा। वो गर्मी का मौसम था, ड्राइंग रूम का एसी भी उस समय बंद था, लेकिन फिर भी मुझे वहाँ एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो घर में अब हम दोनों के अलावा हमारे साथ कोई और भी है। मैं किसी अदृश्य शक्ति को अपने पास महसूस कर रही थी। मुझे अब मेरे मन में हल्का हल्का डर महसूस होने लगा था। मैं उस खेल को और नहीं खेलना चाहती थी। मैं मार्था को वो सब रोकने के लिए कहने वाली थी कि तभी मुझे मार्था की आवाज़ सुनाई दी। उसने आत्माओं से संपर्क करने के लिए उनसे सवाल करना शुरू कर दिया था। क्या इस समय यहाँ कोई ऐसी आत्मा है जो मुझे सुन सकती है, हमें महसूस कर सकती है? अगर हाँ तो किसी भी इशारे से मुझे अपने यहाँ मौजूद होने का संकेत दो। मार्था के इतना कहते ही ड्राइंग रूम में जल रहे नाइट बल्ब अचानक से फ्लिकर करने लगे। डर के मारे अब मेरा शरीर कांपने लगा था, इसलिए मैंने मार्था को वो संपर्क वहीं पर तोड़ने के लिए कहा। लेकिन मार्था ने कहा कि हम इस तरह बीच में आत्माओं से इस संपर्क को तोड़ नहीं सकते, नहीं तो वो हम पर हावी हो जाएंगी। उसकी बात सुनकर मैं और ज़्यादा डर गई और उसका हाथ पकड़कर चुपचाप वहाँ बैठी रही। तभी मार्था ने अगला सवाल पूछते हुए कहा, क्या तुम एक इंसानी शरीर में प्रवेश करके हमारी दुनिया में प्रवेश करना चाहते हो? मार्था का ये सवाल सुनकर डर के मारे मेरा शरीर ठंडा पड़ने लगा। तभी ड्राइंग रूम में लगे सभी नाइट बल्ब्स फिर से तेज तेज फ्लिकर करने लगे। उस समय मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो कोई अदृश्य शक्ति मुझ पर हावी होकर
मेरे शरीर में प्रवेश करना चाहती है। मैं बहुत ज्यादा डर चुकी थी, इसलिए मैं मार्था से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगी, लेकिन मार्था ने मेरे हाथ को बहुत कस कर पकड़ लिया और वो फिर से उस आत्मा से वही सवाल करने लगी। तुम एक इंसानी शरीर में प्रवेश करके हमारी दुनिया में प्रवेश करना चाहते हो? इस बार मैंने पूरी ताकत लगाकर उससे अपने हाथ को छुड़ाया। उस समय मुझे मार्था पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इससे पहले मैं उसे कुछ कह पाती तभी मुझे मेरे फोन पर रिंग होती हुई सुनाई दी। मेरा फोन मेरे पास ही रखा हुआ था। मैंने फोन उठाकर जैसे ही स्क्रीन की तरफ देखा तो किसी अननोन नंबर से मेरे पास कॉल आ रही थी। मैंने सोचा शायद मॉम डैड ने अपने किसी फ्रेंड के नंबर से मुझे कॉल किया होगा, इसलिए मैंने वो कॉल रिसीव कर ली। लेकिन उस ओर से आने वाली उस आवाज को सुनकर मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। सॉरी क्रिस्टीना, माँ का कॉल आ गया था, इसीलिए मैं हड़बड़ाहट में तुम्हें बिना बताए ही तुम्हारे घर से निकल गई। मेरा फोन ऑफ हो गया था, मुझे लगा तुम्हें चिंता हो रही होगी, इसीलिए मैंने एसटीडी से कॉल किया। बस थोड़ी देर में मैं घर पहुंच जाऊंगी। इतना कहकर मार्था ने फोन रख दिया। वो कॉल मार्था ने मुझे किया था। ये जानकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि अगर मार्था मेरे घर से जा चुकी थी तो मैंने वो गेम आखिर किसके साथ खेला? मैंने इधर उधर अपनी नजरें घुमाकर देखी। मैंने सोचा कि शायद मार्था ने मेरे साथ कोई प्रैंक किया है, लेकिन पूरे घर में ढूंढने के बाद भी वो मुझे कहीं नहीं मिली। उस रात जिंदगी में पहली बार मुझे डर का एहसास हो रहा था, क्योंकि मार्था ने मुझे कई बार लोगों के साथ हुए ऐसे कई पैरानॉर्मल केसेस के बारे में बताया था, इसलिए मैं ये अच्छी तरह समझ चुकी थी कि मेरे साथ जिसने वो शैतानी गेम खेला वो मार्था नहीं बल्कि एक शैतान था जो मेरी रूह को अपने साथ ले जाना चाहता था। मैं बस अब किसी तरह खुद को उस शैतान के साए से मुक्त करना चाहती थी, क्योंकि शायद जाने अनजाने में मैंने खुद ही शैतान को अपने पास आने का न्योता दे दिया था। मार्था मेरे घर आकर फ्रेश होने के लिए मेरे रेस्टरूम में गई थी। तभी मैंने ये जानने के लिए कि मार्था आत्माओं के बारे में जो बातें हमेशा मुझे बताती है वो सच हैं भी या सिर्फ उसके मन का वहम, इसलिए मैंने उसकी गैर मौजूदगी में उसके बैग से एक तंत्र मंत्र की किताब निकाली और उसे खोल कर पढ़ने लगी। उसे पढ़ते हुए मेरे मन में एक अजीब सी घबराहट होने लगी, इसलिए मैंने उस किताब को बंद करके वापस उसके बैग में रख दिया। और जाने अनजाने में मैंने हमारी दुनिया और आत्माओं की दुनिया के बीच के उस अदृश्य द्वार को उन मंत्रों से खोलकर शैतान को अपनी दुनिया में दाखिल कर लिया, और उस शैतान ने मेरे साथ उस शैतानी गेम को खेलकर मेरे शरीर में प्रवेश करने का एक मार्ग बना लिया। उस समय तो मैं ये सब कुछ समझ नहीं पाई, इसीलिए मैंने मार्था को ये सोचकर कुछ नहीं बताया कि कहीं वो ये बात सुनकर मुझ पर गुस्सा न करे। उस समय मुझे उस शैतान से बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मैं अपने घर में अकेली थी। उस रात मेरे पास मदद के लिए कोई भी नहीं था। कुछ देर पहले अपने साथ घटी उस घटना से मेरी रूह कांप चुकी थी। तभी मुझे मेरी मॉम की कही हुई एक बात याद आई। मेरी मॉम हमेशा कहती थी कि जब भी तुम्हें अपने पास किसी शैतानी शक्ति का एहसास हो तो गॉड को याद करना, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। इसलिए उस वक्त मैंने वैसा ही किया। बाइबल के कुछ वचनों को पढ़कर मैं हिम्मत करते हुए अपने कमरे में सोने के लिए चली गई कि तभी मेरे कमरे में लगी जीसस क्राइस्ट की फोटो अचानक जमीन पर गिरकर टूट गई। अचानक से हुई उस तेज आवाज से डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी मुझे लगा मानो कोई परछाई मेरी खिड़की पर खड़ी बहुत देर से मुझे घूर रही है, लेकिन मैं उस वक्त इस कदर डर चुकी थी कि मैंने उस ओर मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, और मैं फिर से अपनी आंखें बंद करके गॉड का नाम लेते हुए सोने की कोशिश करने लगी। गॉड के वचनों को बोलते हुए मुझे लगा कि शायद कुछ देर में सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी कुछ देर बाद मुझे ऐसा लगा मानो किसी ने बहुत भारी बोझ लाकर मेरे सीने पर रख दिया हो। मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। मैं अपनी आंखें खोलकर उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन मुझे ऐसा लगा मानो मेरा शरीर मेरे वश में है ही नहीं। मैं पूरी तरह पसीने से भीग चुकी थी। तभी मैंने बड़ी ही तेज आवाज में कहा, गॉड मेरी रक्षा करे, और अचानक मेरे शरीर में मुझे एक अलग सी शक्ति महसूस हुई। मैं अपने बिस्तर से उठकर बाहर भागने की कोशिश करने लगी कि तभी किसी ने मेरे बिस्तर के नीचे से मेरे पैरों को खींचा और मैं बुरी तरह से जमीन पर गिर पड़ी। मैं बेहोशी की हालत में थी। तभी थोड़ी देर बाद मुझे मेरे पास एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज मार्था की थी। मुझे याद है उसने मेरे सर को अपनी गोद में रखा और मुझसे कहा कि रास्ते में उसकी टैक्सी खराब हो गई थी और उसे रास्ते में मेरे पड़ोस वाले मैथ्यू अंकल मिले, तो वो उनके साथ वापस मेरे घर आ गई। उसने मेरे चेहरे पर पानी छिड़का, लेकिन मैं इतनी बुरी तरह डर चुकी थी कि मैं उसकी बातें सुनकर फिर से बेहोश हो गई।
उसके बाद जब मेरी आंखें खुली तो अगला दिन हो चुका था और मैं हॉस्पिटल के बेड पर थी। मेरे पास मेरी मॉम थी, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। मेरी मॉम एक बहुत स्ट्रांग लेडी थी। उन्हें रोता हुआ देखकर मेरे मन में कुछ संदेह सा हुआ, क्योंकि उनकी नजरों के सामने मैं भी बिल्कुल ठीक थी, तो उनकी आंखों में आंसू आने का भला क्या कारण था। इसलिए मैंने अपनी मॉम से कहा, आप रो क्यों रही हैं मॉम, और आपने ये इस तरह के कपड़े क्यों पहने हैं? ऐसे कपड़े तो किसी के अंतिम संस्कार में पहने जाते हैं। तभी मॉम ने मुझे कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। मैं मॉम के मुंह से सब कुछ सुनकर भी उनकी बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी। मॉम ने बताया कि कल रात अपने घर जाते हुए मार्था की टैक्सी खराब हो गई थी, तभी उसे पड़ोस वाले मैथ्यू अंकल मिले और वो उनके साथ हमारे घर आ रही थी। तभी रास्ते में एक ओवर स्पीड कार से उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया। मैथ्यू अंकल को तो उस एक्सीडेंट में कोई खरोच नहीं आई, लेकिन मार्था ने मौके पर ही अपना दम तोड़ दिया। मॉम की ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उसे एक पल में सब कुछ समझ चुकी थी। उस दिन मुझे जो दर्द महसूस हुआ वो शायद मेरी मौत से भी बदतर था। मैं समझ चुकी थी कि कल रात जिसने मेरे पास आकर मेरी जान बचाई वो मार्था नहीं बल्कि उसकी आत्मा थी। मार्था हमेशा कहती थी कि वो मुझे अपनी सगी बहन से भी बढ़कर प्यार करती है, और उस रात उसने मेरी जान बचाकर ये साबित भी कर दिया। उस रात शायद मार्था ने मेरे ऊपर आए उस संकट को पहले ही भांप लिया था। वो जान चुकी थी कि वो जीते जी तो उस शैतान से कभी लड़ नहीं सकती, इसीलिए मेरी जान बचाने के लिए उसने खुद ही अपनी जान की कुर्बानी दी। उस रात मार्था की नहीं बल्कि मेरी इस दुनिया में आखिरी रात लिखी थी, लेकिन शैतान से मेरी जिंदगी को बचाने के लिए उसने मेरी जगह अपनी आत्मा का सौदा उस शैतान से कर लिया और अपनी जिंदगी की कुर्बानी देकर वो मुझे एक नई जिंदगी का तोहफा दे गई। लेकिन उसका दिया ये तोहफा मुझे अब एक बोझ लगने लगा है, क्योंकि मेरी उसे एक गलती के कारण मेरी सबसे अच्छी दोस्त हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुकी है। काश मैंने उस दिन उस किताब को ना पढ़ा होता तो मार्था मेरे साथ आज जिंदा होती। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।